के आधार पर नामांतरण संबंधी आवेदन पत्रों प्राप्त हो रहे थे और उनके संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 10 साल से चल रही फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी रजिस्ट्रियों के नामांकन की शिकायतों के आधार पर गुरुवार को तहसीलदार पुलिस के साथ ऑफिस पहुंचे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुख्य आरोपी फरार है। बता दें, कलेक्टर अंकित स्थान के निर्देशन में तहसीलदार कुलदीप दुबे और कोतवाली पुलिस द्वारा गुरुवार को गोपालपुरा स्थित एक मकान पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके से 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ फरार हो गया। जब पुलिस और तहसीलदार द्वारा पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई, तो उसने अपने पास रखे रजिस्ट्री के सामान के बारे में बताया, जिसमें 40 रजिस्ट्री, 20 सीले, एक टाइपराइटर, 204 की अंगुष्ठ पंजी और 2014 की रजिस्टर संख्या संधारित पंजी शामिल है, जिन्हें जब्त किया गया। इसके बाद पुलिस और तहसीलदार द्वारा उन लोगों को कोतवाली थाना लेकर आई, जहां काफी देर तक पूछताछ के बाद 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में मुरैना के तहसीलदार कुलदीप दुबे ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। फर्जी रजिस्ट्रियों के आधार पर नामांतरण संबंधी आवेदन पत्रों प्राप्त हो रहे थे और उनके संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई, तो मेरे द्वारा ये मामला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया गया। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा और श्री शिवम चौहान जी TI के साहब के द्वारा मौके पर जा करके दीक्षित गली गोपालपुरा में जानकारी मिली थी कि संजू कुलश्रेष्ठ है, उसके द्वारा ये फर्जी दस्तावेजों का संपादन हो रहा है। तो मौके पर जा करके वहाँ दबिश दी गई, तो दबिश में वहाँ कई रजिस्ट्री दस्तावेज मिले जो कूट रचित थे। इसके अलावा वहाँ 20 से 25 की संख्या में सीले, सब रजिस्ट्रार ऑफिस संबंधी जो सील वो प्राप्त हुई, एक टाइपराइटर प्राप्त हुआ। साथ ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस के वर्ष 2014 की जो अंगुष्ठ पंजी, जिस पर की जो विक्रेता के हस्ताक्षर होते हैं वो मूल पंजी, उसके यहाँ प्राप्त हुई। इसके अलावा वर्ष 2014 की जो एक प्रति जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में संधारित की जाती, वो पूरा रजिस्टर उसके यहाँ प्राप्त हुआ। संजीव कुलश्रेष्ठ मौके से भाग गया, ये भदौरिया वहाँ जो पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि संजू कुलश्रेष्ठ, हम दोनों लोग मिलकर के ये कार्य करते हैं और इसके संबंध में मेरे द्वारा FIR कराई गई है, पुलिस द्वारा विस्तृत विवेचना जारी है। कुल कितने लोगों को पकड़ा गया? वहाँ जो मकान मालिक था भदौरिया, उसको साथ में लाए हैं। संजू कुलश्रेष्ठ भाग गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की। वहाँ 40 की संख्या में फर्जी दस्तावेज मिले हैं, रजिस्ट्री। ये पुलिस विवेचना का विषय है, जो भी होगा शीघ्र जांच में आएगा। आपको बता दें, मुरैना जिले में फर्जी रजिस्ट्री का गोरख धंधा पिछले कई सालों से लगातार चल रहा था, जिसकी शिकायत कलेक्टर अंकित अस्थाना को लगी, जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल बता दें, ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।